नमस्कार, ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे बटरस्कॉच आइसक्रीम। ये गर्मियों में हमें तरह तरह की आइसक्रीम खाना पसंद है और बटरस्कॉच लगभग सबकी फेवरेट होती है, तो आइए बना के खा लेते हैं बटरस्कॉच आइसक्रीम। बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम बटरस्कॉच क्रंच तैयार कर लेंगे। गैस को हम लो मीडियम पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी लिया है, तो ये पैन में हम इसे डाल देंगे। चीनी को हम चलाते हुए कैरेमलाइज कर लेंगे। इसे पिघलने तक चलाते हुए पकाएंगे। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे कैरेमलाइज करेंगे। ये देखिए, चीनी हमारा पिघलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, चीनी पिघल गया है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे कलर चेंज होने तक लगातार चलाते रहेंगे। ये लीजिए, चीनी गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच घी या बटर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच काजू के टुकड़े डालेंगे। आप इसमें भुनी हुई मूंगफली को छिलके उतार के भी डाल सकते हैं। इसे हम एक ग्रीस की हुई डिश में फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक डिश में तेल लगा लिया। इसे थोड़ा पतला कर लेंगे, ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें से क्रंच तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए, अच्छे से जम गया है। अब हम बेलन या क्रशर की सहायता से इसे क्रश कर लेंगे। हल्के हाथ से हम इसे क्रश करेंगे। तो देखिए, छोटे बड़े टुकड़े इसमें मिक्स है। इसी तरह हम सारे क्रंच तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे बटरस्कॉच क्रंच तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ml फ्रेश क्रीम ली है। इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी, बाउल के साथ ही रख दी थी। और ये है 1/2 कप कंडेंस मिल्क। तो अब हम इसे फेंट लेंगे। आप इसे इलेक्ट्रिक विस्कर या बीटर की सहायता से फेंट सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लेंडर से फेंट रही हूँ। पहले हम स्लो स्पीड पे चलाएंगे। देखिए, धीरे धीरे गाढ़ी बनती जा रही है। आप हेवी व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो देखिए, क्रीम हमारी काफी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इसे मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बटरस्कॉच एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आप इसमें लेमन येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है इसलिए मैं नहीं डाल रही। अब हम इसमें एक क्रंच डाल देंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बॉक्स में डाल देंगे। अब हम इस पर ढक्कन ढक के कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए इसे जमने के लिए रख देंगे, या तो पूरी रात रखें, हमारा आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने आइसक्रीम को पूरी रात फ्रीजर में रख दी थी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आइसक्रीम हमारा अच्छे से जम गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
अब हम इसे ऊपर तुरंत डाल के गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है बटरस्कॉच आइसक्रीम।